लॉकडाउन 3 में देहरादून में छूट मिलने के बाद देहरादून नगर निगम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है उसमें भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। 45 दिनों के लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से लोग निकले हैं ऐसे में संयमित होकर चलने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मेयर ने यह भी कहा कि देहरादून के हर वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है। लोग काफ़ी दिनों से घर में थे और आज जो है लोग घर से बाहर निकले हैं। प्रशासन की भी ज़्यादा चुनौती है, जो लोग बेवजह घूम रहे हैं, मेरा उनसे देहरादून वासियों से अनुरोध है कि बेवजह ना घूमें। सिर्फ काम के लिए है तो घर से निकले। सरकारी कर्मचारियों को भी कहा गया है कि घर से काम करेंगे। हमारे निगम में भी जो है अधिकारी वर्ग का आना है और बाकी लोगों को जो है अभी पब्लिक डीलिंग नहीं है, इसलिए कम स्टाफ के द्वारा ही काम चलाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जन सामान्य जो है सामान्य स्थिति होनी है, इसके लिए भी जो है हम सबको तैयार हैं।